हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं। और अब हम क्या करते हैं, जो हमारे टेस्ट होंगे नेक्स्ट 14 अप्रैल के बाद, उनका जो मैं है शेड्यूल आपको बता देता हूं क्या क्या हमारे टेस्ट होंगे। आइए, जो हमारा टेस्ट नंबर जो 10 होगा वो कब होगा, 16 अप्रैल को। टॉपिक क्या होगा, लीनियर में ओल्ड जो हो चुका है वो, प्लस में दो टॉपिक और नए ऐड हो जाएंगे। क्या क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। क्या होंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद 11 को जो है आपका 11 टेस्ट जो है वो 18 अप्रैल को होगा, जो कि फुल सिलेबस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। और कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, जो ये एलपीपी है आपकी जो 18 अप्रैल है उससे पहले मैं आपका ये सिलेबस जो है, ऑब्वियसली इससे पहले तो क्या है, डेफिनेटली हमारा जो ये सिलेबस है ये कवर हो जाएगा। इसलिए क्या है, YouTube पे आप सभी के लिए जो LPP है ये मैं आपको पूरी करवा पाऊंगा वहां पे, और सभी लेक्चर को आपको वहां पे कवर कर लेना है। ओके, यानी कि 18 को जो हमारा अप्रैल को टेस्ट होगा वो होगा LPP का, जहां से हमारा एक क्वेश्चन सिंगल चॉइस में या फिर मल्टीपल चॉइस में आता रहता है। 12 जो टेस्ट होगा हमारा वो होगा 21 अप्रैल को, जो कि क्या हो जाएगा हमारा फुल सिलेबस ऑफ नंबर थ्योरी प्लस ग्रुप थ्योरी। क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे जो मैंने आपको दिए है टाइम वो कितना दिन दिया है मैंने आपको, यहाँ 18 के बाद डायरेक्ट आपको 21 दिया है, मतलब आपके पास ये मान के चलो 3 दिन मैंने आपको दिए, वो किस लिए दिए है, आप पूरा ग्रुप थ्योरी और पूरा नंबर थ्योरी रिवाइज कर पाओ। कि अगर मैं बात करूँ कि एक दिन का गैप या दो दिन, देखो रिवाइज करना इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम आपके एवरीडे टेस्ट लेते रहें, एवरीडे टेस्ट लेंगे या आपको गैप कम देंगे तो आपको रिवाइज नहीं कर पाओगे। और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि टेस्ट जो है मजाक नहीं है, कोई सिंपल चीजें नहीं है कि आपने उठा के बना दिया इसलिए या मैंने बना दिया, ऐसे टेस्ट हमारे रहेंगे कि अनसीन क्वेश्चन की नेट का तो प्रीवियस क्वेश्चन कोई रिपीट ही नहीं करना हमें। इसलिए क्या आपको ये 3 दिन दिए गए हैं वो इसलिए आपको पूरा नंबर थ्योरी एज वेल एज ग्रुप थ्योरी रिवाइज करना है। और फिर आपको 3 दिन दे दिए गए, उसमें आपका फुल सिलेबस ऑफ द लीनियर एलजेब्रा है। क्या होगा, फुल सिलेबस ऑफ द लीनियर एलजेब्रा रहेगा। और 14 जो टेस्ट वो 27 अप्रैल को होगा, जिसमें हमारा फुल सिलेबस ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। ओके, ये हमारा रहेगा। और एक मैं आपको कहूंगा फ्रेंड्स कि जब आप कोई भी टेस्ट देते हो हमेशा रिवाइज करके दीजिए, और कोशिश कीजिए कि जो टेस्ट है आप इवनिंग में दे पाओ। क्या, टेस्ट आप पूरा दिन उसको रिवाइज कीजिए और इवनिंग में देने की कोशिश कीजिए। इवनिंग में जब आप टेस्ट दोगे तो कंप्लीट डे जो है आप उस टॉपिक को क्या करोगे, रिवाइज करोगे। और दूसरी चीज ये है कि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हुआ है, ये जो हमारे टेस्ट होते हैं ना, हम ये सिंपल ये नहीं है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन उठाया और दे दिया, नहीं, इसके लिए स्पेशल जो है मैंने 4 टीचर को हायर किया हुआ है, जिसमें से 2 टीचर जो है क्या है PhD कर रहे हैं IIT से, एक जो है बॉम्बे IIT से और एक खड़गपुर से, और एक मैम है जिसकी जो है PhD हो चुकी है, वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर टीच करती है, और एक स्टूडेंट है जो क्या है काफी इंटेलिजेंट है, गेट हो चुका और वो MSc फाइनल ईयर में है। इन सभी चारों को जो है मैंने ये वर्क दिया हुआ, उनको टेस्ट बनाना और उनमें से कुछ क्वेश्चन उनके उठा के और कुछ जो है मैं अपने लिए कि वो आप सभी को टेस्ट प्रोवाइड करता हूं। और इसलिए जो है आप जैसा कि देख पा रहे हो, अब की बार जो टेस्ट का जो लेवल है और जो पहले हमारे टेस्टों का लेवल होता था बहुत हार्ड डिफरेंट लेवल, उन दोनों का जो लेवल है वो डिफरेंट होता था। और इसलिए अब की बार जो मेरा वे है वो यही है कि आपको ये चीज रियलाइज हो कि आप एग्जाम में ही बैठे हो, वही चीज आपके माइंड में हो, और इसलिए जो है मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं उठा रहा हूं कि आप ये कहो कि प्रीवियस पेपर उठा लिया या ये नहीं, ऐसे क्वेश्चन देने की मेरी कोशिश रहती है कि आपको अनसीन क्वेश्चन हम दे पाए, जिससे आपको ये रियलाइज हो कि हाँ ऐसे ही अप्रोच हमें एग्जाम में करनी, ऐसे ही हमें थिंकिंग एग्जाम में करनी है। जैसे कई स्टूडेंट्स को नंबर नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर नहीं आए कोई नहीं, बट इंपॉर्टेंट ये आप सीख रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, और आप जो है उन चीजों को धीरे धीरे जब अप्रोच करोगे धीरे धीरे माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे अब हमारा यहां क्या है, जो हमारा 24 अप्रैल को जो फुल सिलेबस ऑफ लीनियर हो जाएगा, उसके बाद जब आगे जब लीनियर की रिवीजन होगी ना, वहां आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ मेरा लीनियर फुल हो चुका, मेरी ये चीज फुल हो चुकी रिवाइज। और जब वो आपको वो अनसीन क्वेश्चन दिखेंगे, जब वो चीज प्रैक्टिस करोगे, तब आपको ये रियलाइज होगा
कि हाँ ये चीजें मेरी हो चुकी। इवन पता क्या, मैं आपको रियलिटी बताऊं, अब तो एक दो इंस्टीट्यूशन ऐसे है जो ये कहते हैं, सर आप जो है हमारे हमारे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट सीरीज के लिए, क्या आप हमारे बच्चों के लिए जो टेस्ट है वो बना दीजिए, क्या कर दीजिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट प्रोवाइड कर दीजिए। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हुआ कि हमारा जो वे है, मेरी थिंकिंग कभी ये नहीं है कि मैंने आपको ये बोला हुआ कि जो मैं आपको ये चीज प्रोवाइड करने वाला हूं सिर्फ मुझे यही करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे बच्चे कई कहते हैं कि सर वहां पे फीस कम है यहां पे ये है, देखो वो उनका वे है, मेरा वे ये है कि जो आपकी फीस लगती है जो है सो है, बट मेहनत ऐसी करो आप कि अगर बच्चा अगर आपके पास आ जाए ना तब आपने अपना जो है अपनी ऐड मत करो, अपने आपको प्रमोट मत करो, आप ये मत दिखाओ कि बार बार में कि इतने लाइक करोगे तो ये होगा, भाई ये करो यार क्या हो आप। हम जो लाइव हमारी जो अब इस चीज से आप ऊपर उठ जाइए, कई ये कहते हैं कई टीचर कि सर है ना हम जो अपने आप को ना मोटिवेट महसूस करते हैं कि जब हमें कोई लाइक करता है या हमारे प्रति कोई अच्छा मैसेज भेजता ना तब हमें ये होता है मेहनत ये करता कि और मेहनत करें हम, हमें ये कहते ना कि हम इंस्पायर होते हैं। मैं कहूँगा एक बात बताइए, आप जो है स्टूडेंट आपको अगर लाइक करता तब आप हैप्पी होते, डिसलाइक करता आप अनहैप्पी होते, यानी कि आप डिपेंड करते हो क्या, आप उस चीज से ऊपर उठ चुके हो। आपका जो वर्क है वो ये है कि मेहनत करना है, स्टूडेंट लाइक करे या ना लाइक करे, आपका जो वे है वो क्या है, वो आपका मेहनत करता ही चलना। जैसे हमारे टीचर हमें कहते थे कि एक टीचर जो होता है वो एक ना सन की तरह होता है, एक सूरज की तरह होता है कि दुनिया उसको ये भी कहती है ये खराब यार आज तो सूरज नहीं निकलना चाहिए गर्मी है बहुत ज्यादा, और कई ये कहते हैं कि निकलना चाहिए, बट वो अपना जो कार्य है वो रूटीन पे करता है अच्छे से करता है, उसको कोई अच्छा बोलता है कोई उसको बुरा बोलता है, बट वो अपने पाथ से विचलित नहीं होता, वो अपना कार्य बंद नहीं करता। वैसे ही एक टीचर का वर्क होता है कि स्टूडेंट के लाइक या डिसलाइक ये नॉट इम्पोर्टेंट कि ये चीज देखो, इसलिए क्या आपने कभी नोटिस किया होगा, अब मैं आके ये चीजें नहीं बोलता कि भाई आप ना एक काम करना सभी बच्चे मैसेज करना या फिर लाइक करना या ये करना, ये क्या चीज है। हमारा जो वर्क है ये है कि हमें गाइडलाइन करना, और मैं उन सभी को भी कहूंगा फ्रेंड्स प्लीज आपके अंदर क्वालिटी, आप अच्छा टीच कर रहे हैं आप करते रहिए, क्यों आप जो है ये चीज बोल रहे हो बच्चों को कि ये कीजिए वो कीजिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए और डेफिनेटली मेहनत करते कामयाब होते। और दूसरी बात, हम जो मेहनत करते हैं वो किस लिए करते हैं, भाई हमारी भी नॉलेज इंप्रूव होती है और ऑब्वियसली आपको तो बेनिफिट होगा ही। और स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको ये कहूंगा फ्रेंड्स ना, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ना लेजी सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि सभी चीजें ना हमारे लिए क्या है, हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे, ये तो हमारा टीचर ही कर देंगे। क्या है, वो अपने आप को ना कंपेयर करते, ये कहते हैं यार वो तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो तो कर पाएगा हम नहीं कर पाएंगे। एक बात बताइए, वो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो आप में और उसमें क्या कमियां है, क्या आपके दो हाथ है उसके भी दो हाथ है, क्या आपको अंधेर में दिखाई नहीं देता उसको भी नहीं देता, क्या आप फोन यूज करते वो भी फोन यूज करता है, यानी जो आपके अंदर क्वालिटी है सेम, क्या वो बचपन से ही ऐसा पैदा हुआ था कि उसको सब कुछ आता था, नहीं। कमियां कहां है, कमियां इंटेलिजेंट में टॉपर में और आप में जो कमियां है वो सिर्फ यही है कि वो जो है टाइम मैनेजमेंट, वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करता है, वो क्या है, वो अपना जो टाइम है वो स्टडी में लगाता, जब उसको ये लगता है कि हाँ ये स्टडी का टाइम है वो स्टडी करता है। हम क्या करते हैं, 10 मिनट स्टडी करी उसके बाद फोन पे लग गए, 10 मिनट स्टडी करी फिर ये लग गए, कोई शॉर्टकट वे नहीं होता फ्रेंड्स सक्सेस होने का। सक्सेस आप तभी होगे जब आप मेहनत करोगे। आपको अगर मान लो मैं ये कहूं कि आपके लिए ना एक काम करता हूं, मैं एक क्रैश कोर्स चला देता हूं और 15 दिन में आप महीने के अंदर आप जो है क्वालिफाई कर जाओगे, क्या कर जाओगे आप महीने के अंदर जो है क्वालिफाई कर जाओगे, ये चीजें बोलने के लिए होती है फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या अगर मान लो मैं आपको ये कहूं एक क्रैश कोर्स चलाता हूं एक महीने में सिर्फ क्रैश कोर्स से उस स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है जिसको ऑलरेडी सब कुछ आता है और उसको अपने आप को इंप्रूव करना है, उसके माइंड में वो चीज सेट नहीं। सपोज करो किसी को कुछ आता ही नहीं है और आप उसको क्रैश कोर्स करवाओगे तो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो इसलिए क्या, एक तो अपना माइंड ना सेट कर लीजिए, आप सब कुछ कर सकते हो, आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने आप को ये करो कि यू विल बी डू दिस, कि आप इसको कर पाओगे। सबसे पहले आपके अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको रिमूव कीजिए, और दूसरा ये नाइट जो भी आपको दिन मिलता है या नाइट मिलती है, अगर आप नाइट में पढ़ते हो या दिन में पढ़ते हो, जो आप स्टडी कर रहे हो ना फ्रेंड, इसको ना वेस्टेज मत सोचिए, ये आपको वापस आपको मिलेगा। मुझे याद है जब मैं नाइट में स्टडी करता था तो मेरी फैमिली ये कहती थी भाई ये लड़का तो ना पागल हो जाएगा,
ये बोला जाता था मुझे कि डेफिनेटली ये लड़का जो है पागल हो जाए। और आज भी मेरे अंदर यही कैपेसिटी है, यही मेरे अंदर थिंकिंग है कि अगर मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो मैं ना ये नहीं देखता नाइट है या, और इसलिए कई बार मैक्सिमम ग्रुप के बच्चे यही होते हैं कि नाइट में 1 बजे या 2 बजे मेरे को मैसेज करते हैं ना, मैं उनको रिप्लाई देता हूँ। क्यों? उस दौरान मैं भी स्टडी कर रहा होता हूँ। माइंड में ये मत लेके आइए कि यार हम सक्सेस हो गए, हमें स्टडी की क्या जरूरत है, स्टडी हमें हमेशा करनी है, हम सक्सेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। और स्टडी किस लिए करनी है? सक्सेस के लिए ना, हमें स्टडी करनी है नॉलेज के लिए। क्या? हमें मेहनत करनी है नॉलेज गेन करने के लिए। और अगर आप स्टडी नॉलेज के लिए करोगे डेफिनेटली आप सक्सेस होगे। मुझे याद है कि जब मैं बॉम्बे, देखो सबसे पहले मैं अपनी बात बता देता हूं कि जो है मेरा बॉम्बे IIT के अंदर सिलेक्शन हो गया था, बट वहां जो है स्टडी के दौरान मुझे ये रियलाइज हुआ कई बच्चों से कि वो ये कहते हैं कि एक ऐसी चीज बनाई हुई थी नेट को कि नेट तो नहीं होगा। इवन हमारे टीचर भी ये कहते थे, मेरा तो नेट था ऑलरेडी GRF सॉरी, तो ये कहते थे कि नेट करना कोई इजी नहीं है, नेट के लिए तो 15 साल का एक्सपीरियंस 20 साल का एक्सपीरियंस वो ये बोलते थे। मैंने उनको ये कहा था, सर मेरी थिंकिंग ये है कि मुझे ना फ्यूचर में नेट को टीच करना। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज कहा था कि बलवान जी आप जो ये कह रहे हो ना दैट इज नॉट पॉसिबल, कि ना नेट टीच करने के लिए कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आप 40 के हो जाओगे ना तब आप नेट को टीच करने की सोचना, अभी आप जो है BSc MSc पे ही फोकस कीजिए, आप नेट को नहीं कर पाओगे। और मैंने उनको यही कहा था, सर मेरा टारगेट सिर्फ एक ही है, मुझे जो है वो नेट को टीच करना है और आई विल टीच। यकीन मानिए मैंने इसके ऊपर इतनी मेहनत की और इवन मैं अब भी करता हूं, मैं ये नहीं देखता टाइम क्या है। वही चीज ये है, अगर आपके अंदर माइंड में ये है ना कि आपको नेट को क्वालिफाई करना है या आपको निकालना है, आप निकाल पाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। बस दो चीजें आपको साथ देनी देगी, पहली चीज एक मेहनत और एक दूसरी चीज कंटिन्यूटी। जितना आप कंटिन्यूअस वर्क करते चलोगे वो चीजें आपको ना इंप्रूव करना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी चीज क्या है, एक चीज है ना फॉलो जो है, जैसे सपोज कीजिए मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं कि ना आधे से ज्यादा टाइम तो वो यूट्यूब पे कर देते वेस्ट, अब वहां चले गए यूट्यूब पे, अब उस टीचर की देख ली, अब उस चीज पूरा टाइम तो वो इसी चीज में लगा देते हैं। अच्छा कई ये है, सपोज करो टॉपिक सिस्टमेटिक तरीके से चला नहीं हुआ, जैसे आज कोई मान लो आज लीनियर मान लो एक टीचर है लीनियर का टेस्ट दे दिया, दूसरा टीचर ओडी का दे रहा वो दे रहे हो आप, तीसरा फिर ग्रुप का दे रहे आप वो दे रहे, उससे क्या होगा आपका माइंड डाइवर्ट होगा, सिर्फ वेस्टेज ऑफ द टाइम है। एक सिस्टम के तरीके से लेकर चलना होता है। और इसलिए जो है मैं बच्चों को सारा सेटअप दे रहा हूं, सारा सिस्टम तैयार करवा रहा हूं, सारी चीजें कि हमारा वर्क ये नहीं है कि हम ये कहें कि भाई एक काम कर लेना ये कर लेना, नहीं, हमारा वर्क ये है कि बच्चे को एक प्रॉपर गाइडलाइन लेके चले, एक प्रॉपर वे से हम ये बताएं कि हाँ ये ऐसा होता है। और हमारा वर्क यही रहेगा कि आप जितना हो सकता है वो सारी चीजें मैं आपके लिए कर पाऊं। और जैसा कि अब जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, मुझे उम्मीद नहीं थी उस उम्मीद से, मैं तो ये सोच के चला था कि नियरली 50 के करीब बच्चे होंगे, 100 के करोस हमारे होने वाले हैं बच्चे। तो वही चीज क्या है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए दो चीजें हम करेंगे, एक चीज तो LPP आपके लिए ऑनलाइन में चलाई गई है, और जो टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, मार्को चैन पे भी मैं वर्क करने वाला हूं, और होस्ट का तो आपके लिए जो है क्या जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है इसके अंदर भी बच्चों को डाउट रहता है, ये चीज भी मैं आपको करवाने वाला हूं। इसलिए क्या फ्रेंड्स, आप जो कर रहे हो सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने से कुछ नहीं, आप डेली टेस्ट जो भी आपका टेस्ट होता है एवरी टेस्ट को दीजिए, और एवरी टेस्ट को दोगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नंबर चाहे आपके 0 हो मैं उस चीज में हैप्पी हूं, बट टेस्ट दीजिए, मेहनत कीजिए, और आपकी नोटबुक में वो सारी चीजें नोट करके चलिए कि हाँ यहां क्या गलती हुई है, कहां आपकी मिस्टेक है, कहां आप रॉन्ग हो। और धीरे धीरे वो चीजें जब आप बढ़ते चलोगे टेस्ट में, वो चीजें नई नई सीखते चलोगे, वहां आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब हमारे फुल लेंथ के मॉक टेस्ट होंगे वहां आपका ऑब्वियसली क्वालिफाई करोगे आप, वहां कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा दूसरी बात आपके लिए ये प्लस पॉइंट अब की बार ये है, जहां तक मुझे लगता है अब की बार जो एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन होगी। क्या? एग्जाम डेट आपकी पोस्टपोन होगी तो आपको स्टडी करने का और ज्यादा टाइम मिलेगा, और ज्यादा टाइम मिलेगा आपके लिए ये फायदा है, आप ऑनलाइन क्लासेस में हो, जो आपके लेक्चर रिवाइज हो चुके हैं, जैसे लीनियर पूरा हो गया या OD पूरा हो गया, कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया, LPP जो आपका पूरा हो चुका उसको दोबारा जब रिवाइज होगी दोबारा वो सारी चीजें चलेगी, आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। इसलिए आपके लिए क्या है ये चीज मत सोच के चलिए सर लॉकडाउन है हमें तो क्या है, जैसे कई स्टूडेंट ये कहते हैं सर हमें तो क्या है बोर हो गए। स्टडी करने वाला कभी बोर नहीं होता, उसके पास स्टडी करने के लिए इतने टॉपिक होते हैं, उनको आप स्टडी कीजिए, कहां से आप बोर हो जाओगे। इतना आपको एक सिस्टम से आपको टाइम दिया हुआ है कि नेक्स्ट टेस्ट के बाद सेकंड आ जाता है नेक्स्ट, उसकी तैयारी करनी है आपको, कहां से आप बोर हो जाओगे।
इसलिए प्लीज माइंड में ये सेट मत कीजिए कि सर मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूं इस प्लानिंग के अनुसार चलते रहिए, यकीन मानिए आप अच्छे से कर पाओगे। बट क्या है, प्लीज एक अन्ना अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, मेहनत करते चलिए। और मुझे ना काफी बुरा लगता है कि मैं कहता हूं कि मेहनत कीजिए। मैं आपके लिए पता क्या है, मुझे ना माइंड में हमेशा ये रहता है कि मुझे आगे की आपके लिए क्या वर्क करना, आपके लिए मुझे आगे क्या प्लानिंग करनी। जैसे मेरा पार्ट ए चला हुआ था, अभी पार्ट ए को जो मैंने बीच में ब्रेक किया है, टोपोलॉजी को बीच में ब्रेक किया, वो किस लिए किया कि भाई इंक जो है वो मेरे पास अभी इतनी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ मेरे पास क्या इतना है कि मैं सिर्फ टेस्ट का सोल्यूशन दे पाऊं, और टेस्ट का सोल्यूशन देना मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने टेस्ट का सोल्यूशन स्टूडेंट्स को नहीं दिया वीडियो में तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ मिस्टेक है क्या नहीं है। इसलिए उस चीज़ को महत्व देते हुए वो चीज़ें मैं जो मुझे ये लगता है कि जिस चीज़ को अभी मैं 14 तक स्किप कर सकता हूँ वो मैंने स्किप करने की कोशिश की है। पार्ट ए की अगर मैं बात करूँ, पार्ट ए में पता क्या है, मैं बताऊं कई ये कहते हैं यार पार्ट ए जो मैंने देखा हुआ है इजी इजी क्वेश्चन करवाते हैं, एक जो मैंने बनवाए हुए क्वेश्चन उनको करके देखो आप ये कहते हो पार्ट ए इजी करके दिखाओ आप, तब पता चलेगा। नोट इजी प्रैक्टिस मांगती है, पार्ट ए लॉजिक मांगते हैं। देखो ये चीज क्वेश्चन जो है ना कहने के लिए इजी होता है कि ये है वो, और मैंने ये आपको यही बोला हुआ है मैं जितना भी करवाऊंगा सिस्टम से करवाऊंगा। मेरा टारगेट ये नहीं है कि दो दिन में मैंने, पता क्या रेशो और प्रोपोर्शनल की बात करूं, एक वीक से ज्यादा टाइम दिया, ये नहीं मेरा एक दिन में रेशो प्रोपोर्शनल, एक दिन में प्रॉफिट लॉस, एक दिन में डिस्टेंस, एक दिन में टाइम, ये चीजें नहीं होती। उसके ऊपर इतनी टाइपे आती है, करवाते आपको खुद रियलाइज होता है। स्टूडेंट मुझे खुद कहते हैं सर ये चीजें तो हमें पता ही नहीं थी, ये तो हम कभी सोचते ही नहीं थी हमें। हम भाई सोचो तो तब गिना जब आपको करवाई गई हो, और ये चीजें जब आप करोगे एग्जाम में जाके देखोगे आप ये कहोगे सर हाँ अब वाकई हमें कुछ रियलाइज हुआ है कि ये चीजें है। अदरवाइज तो क्या सोचते हैं स्टूडेंट, प्रॉफिट लॉस में है क्या? भाई प्रॉफिट लॉस में है ना बहुत कुछ है। परसेंटेज की बात करें इतनी सारी चीजें है, एक सिंपल चाहे आपने एमएससी की हुई है इन जनरल अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया टिपिकल नहीं कर पाओगे, इवन हम नहीं कर पाते। और इसमें ना ये चीज महसूस करने वाली नहीं होती नहीं कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, इंपॉर्टेंट है उसको सीखे और करे। इसलिए क्या है अच्छे से आपकी तैयारी करते रहिए। ये हमारे टेस्ट का जो है शेड्यूल रहेगा, और 14 के बाद आपको पार्ट ए पे विशेष काम करवाया जाएगा, और जहां तक होगा मैं टोपोलॉजी पे फिर से वर्क करना स्टार्ट कर दूंगा, और मार्को चैन पे भी जो है ऑनलाइन क्लासेस ये है, और ये जो है टेस्ट सीरीज इन दोनों के लिए ही मैं वर्क करने वाला हूँ मार्को चैन। और आगे जो है मई में जो है होस्ट का, तो मैं आपके लिए क्या है उसके ऊपर न्यूमेरिकल एनालिसिस इस पे भी मैं आपके लिए वर्क करने वाला हूँ। ओके, आई होप आपने ये जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि दैट इज नॉट द वेस्टेज ऑफ द मनी, ये आपके लिए सिर्फ पैसे की वेस्टेज नहीं है, दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपको सीख मिलेगी, यहीं से आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे। अदरवाइज मैंने देखा है कि लास्ट टाइम ये जब बच्चे करते ही ज्वाइन और फिर ये देखते सर क्या करें। एक ना देखो टेस्ट ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि मान लो मैं डेली का टेस्ट रख लूं, या मान लो मैं आपको क्या है कि एग्जाम टाइम में दूं। अगर मान लो मैं एग्जाम टाइम में आपका टेस्ट लेता हूं, आप क्या रिवाइज करोगे, कैसे आप प्रिपेयर कर पाओगे? या मान लो मैंने आपको डेली का टेस्ट दे दिया, कई ये कहते हैं सर कि आप डेली का रख लीजिए। एक चीज बताइए मुझे, डेली का आप कैसे रिवाइज कर पाओगे? मान लो सपोज करो मैं ये कहूं कि मैं लीनियर का नेक्स्ट टेस्ट लूंगा, या फिर ओडी पे आऊंगा, पीडी, एक दिन में रिवाइज करना नोट है। हम कोई इंटेलिजेंट वो चीज मशीन नहीं है कि देखते ही हमें याद हो गया, प्रैक्टिस मांगता है मैथ। ये इंग्लिश या हिंदी नहीं है कि फॉर्मूला याद किया हो गया। इसलिए ये जो गैप दिया गया वो इसलिए दिया गया है, इसके इस गैप में आप अपना जो आपको टॉपिक दिया उसको प्रिपेयर करो, अच्छे से डिटेल में स्टडी करो। अदरवाइज क्या होगा कि टेस्ट ऐसे मान लो अगर 50 भी टेस्ट ले लूं, 60 भी टेस्ट ले लूं, उसका कोई फायदा है ही नहीं। टेस्ट जो है लेने का फायदा तभी है जब आप उसको प्रिपेयर कर पाओ, उसको तैयार कर पाओ। और जब हमारे पूरे तैयार हो चुके होंगे, जब मॉक टेस्ट चलेंगे, वहां मैं आपको गैप नहीं देने वाला। वहां क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि वहां आपको प्रिपेयर करना ही नहीं है, वहां सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस क्वेश्चनों से होगी। इसलिए क्या है, ये जो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, प्लीज इसके अंदर जो टॉपिक आपको कहा जाता उसी टॉपिक को रिवाइज कीजिए, और उसी टॉपिक को रिवाइज करोगे तभी आप सक्सेस होगे, तभी आपको नॉलेज आएगी, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। ओके, प्लीज कोशिश कीजिए कि आप जो है मेहनत अपनी जो है और ज्यादा इंक्रीज करो, और जितना हो सकता है उतनी आप मेहनत करो, जो टॉपिक आपको दिया जाता है आप उसको प्रिपेयर करो। ओके फ्रेंड, मिलते हैं हम टुमारो को जो हमारा टेस्ट होगा किसका है, ग्रुप थ्योरी का, उसके अंदर। ओके, और जैसा कि एलपीपी आपके लिए स्टार्ट करवाया गया है,
और मेरी कोशिश यही रहेगी आप सभी के लिए जो है वो एलपीपी मैं पूरा कर पाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी।